तो गाइज गूगल प्ले स्टोर पर मैं कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो डाउनलोड नहीं हो रहा है। यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है, कैन नॉट डाउनलोड व्हाट्सएप मैसेंजर, ट्राई अगेन एंड इट इफ़ इट स्टिल डाउनलोड डज नॉट वर्क। इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है। मैं कोई भी एप्लीकेशन मैक्स प्लेयर यानी कि जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहा हूँ सब में यही वाला एरर आ जा रहा है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे। अगर आपका प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, डाउनलोड का ऑप्शन आने के बाद भी वो पेंडिंग बता रहा है, डाउनलोडिंग नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल बताने वाला हूँ। आपको कौन कौन से सेटिंग करने पड़ेंगे, तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका डाउनलोड नहीं हो रहा, आपको उसको सही करना है। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना होगा। कोई भी मोबाइल हो आपका, सब में सेटिंग सेम रहता है, बस थोड़ा सा फंक्शन अलग हो जाएगा। आपको यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट ढूंढना है सेटिंग में जाकर। ऐप मैनेजमेंट में आने के बाद कभी कोई कोई मोबाइल में थोड़ा अंदर मिलेगा तो आपको ढूंढ लेना है। यहाँ पर आने के बाद आपको सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। ऐप मैनेजमेंट में आने के बाद आपका पॉपुलर यानी जितने भी बड़ी जो भी एप्लीकेशंस हैं सब यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ढूंढना है प्ले स्टोर, तो मैं प्ले स्टोर को ढूंढता हूँ। यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं, सर्च का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो मैं प्ले स्टोर पर सर्च करता हूँ। टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको स्टोरेज यूज़ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको स्टोरेज यूज़ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्लियर डाटा आपको देखने को मिलेगा, आपको क्लियर डाटा करके ओके कर देना। ओके करने के बाद बैक हो जाना। यहाँ पर आपको फोर्स स्टॉप का देखने को मिलेगा, आपको फोर्स स्टॉप पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना। इतना करने के बाद आपको बैक हो जाना है। अगर आपको ये सेटिंग नहीं मिल रहा तो आप क्या कर सकते हैं, आपको प्ले स्टोर के एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करके रखना है, आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप फटाफट सब कुछ सेटिंग कर लीजिए। इतना करने के बाद आपको, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड होता है। तो हम आ चुके हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर हम सर्च करते हैं कोई भी एप्लीकेशन जो डाउनलोड नहीं हो रहा। वैसे तो कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ फ़ोन पे तो अपडेट मांग रहा है, लेकिन कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूँ जो कि मेरा ऑलरेडी डाउनलोड नहीं है। तो फ़ोटो एडिट पर चलता हूँ। फ़ोटो एडिटर पर क्लिक करने के बाद कोई एक एप्लीकेशन चूज़ कर लीजिए। अभी यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इंस्टॉल पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं 0% से 2%, तो प्रॉब्लम फिक्स हो गया, आपका भी हो जाएगा।